समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें, साथ ही नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। आपको बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एस गोपात्रा की पीठ ने फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे। पैच एक के बाद एक केस दायर होने से परेशान आजम के लिए यह राहत की खबर है। आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन 79वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी। इसके साथ ही सपा नेता आजम खां को जमानत देने को लेकर उनके वकील कपिल सिंबल ने आरोप लगाया था। यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान 2 साल से जेल में है, उन्हें अब तक जमानत दे देनी चाहिए थी। आज कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हो जाएगा कि आजम खान जेल में रहेंगे या अब खुली हवा में सांस लेंगे, और या फिर उनको अभी भी जमानत के लिए लड़ाई लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।